हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। जिस तरह आप लोगों का डिमांड था कि सर एमसीएल का जो ओवरमैन का जो एग्ज़ाम हुआ 21 फरवरी को, तो सर उसका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर के बारे में आप डिस्कस कीजिए। ये एग्ज़ाम आपका 21 फरवरी को एमसीएल का जो एग्ज़ाम हुआ 2023, इसमें आपका ओवरमैन और मानिक सरदार दोनों का एग्ज़ाम हुआ अलग अलग सेटिंग्स में। मैं कोशिश करूँगा ओवरमैन और मानिक सरदार दोनों का क्वेश्चन पेपर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने का। आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपके सामने ओवरमैन एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में डिस्कस करने का। पहला क्वेश्चन आपका है, ए कम्बिनेशन ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ अ स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट, अनवांटेड इवेंट यहाँ पर टी लगेगा, अनवांटेड इवेंट एंड द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट शुड अकर इज नॉन एज। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अनवांटेड इवेंट जिसको आप चाह नहीं रहे हैं, उस इवेंट का होने का संभावना, लाइकलीहुड मतलब संभावना, जिस इवेंट को आप चाह नहीं रहे, आप नहीं चाह रहे कि एक्सीडेंट हो, आप नहीं चाह रहे हैं कि आपका जो अंडरग्राउंड में जो रूफ आपका रूफ फॉल हो जाए या साइड फॉल हो जाए या टब्स का रस्सा टूट के आपका एक्सीडेंट हो जाए या ओपन कास्ट में आपका साइड गिर जाए या डम्प स्लाइड कर जाए, ये सारे चीज़ें फिर एक्सीडेंट कर जाए, डम्फर एक दूसरे से कोलिजन हो जाए, ये सारे अनवांटेड इवेंट है जिसके बारे में कोई चाहते नहीं है। वैसा अनवांटेड इवेंट का होने का संभावना और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, इसके कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, जिसके कॉम्बिनेशन को रिस्क कहा जाता है। एकदम इजी क्वेश्चन था, इससे पहले भी आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें भी रिस्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका लाइकलीहुड ऑफ स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट इनटू पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज इज कॉल्ड रिस्क। ये तो आप जानते ही हैं। बाकी जो आपका तीन ऑप्शन है क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, देखिए हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना, हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना कि क्या खतरा है और उसमें हम लोग क्या कंट्रोल मेजर्स लेंगे, हम उसको क्या कंट्रोल मेजर्स लेंगे कि ताकि जो आपका हैजार्ड है वो कम हो जाए। जैसे कि आप यदि एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, यदि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो 100% हैजार्ड को आप हटा देंगे, मतलब किसी प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, वो हैजार्ड ही खत्म हो जाएगा। यदि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, तो आपका 75% हैजार्ड कम हो जाएगा। यदि आप सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे, इस तरह के बहुत सारे मेथड है, तो आपका 50% आपका हैजार्ड कम हो जाएगा। इस प्रकार के फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में आप यदि यूज करेंगे, सारा नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपका 30%, ट्रेनिंग में आपका 20% और पीपीई में आपका 5% तक आपका हैजार्ड कंट्रोल होता है। ये तो आपका रह गया रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो आपका हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना और उस हैजार्ड को कम करने के लिए क्या क्या मेथड हम लोग अपना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड उस मैनेजमेंट को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ तक समझे। अगला आपका है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है कि रिस्क को आप देखें और उसको स्कोर आप दिए, स्कोर के द्वारा आप आइडेंटिफाई किए कि ये ज़्यादा खतरा लग रहा है तो इसको ज़्यादा स्कोर दिए, ये थोड़ा कम खतरा है इसको कम स्कोर दिए। तो रिस्क को आइडेंटिफाई किए और उसको स्कोर के द्वारा डिटरमाइन किए कि ये खतरा आपका ज़्यादा, मतलब खतरा होने की संभावना ज़्यादा है, उसको स्कोर के द्वारा आप यदि उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको इस टोटल प्रोसेस को हम लोग रिस्क असेसमेंट कहते हैं। आइडेंटिफाई क्या करना, रिस्क को समझिएगा और रिस्क स्कोर डिटरमाइन करना। आ सकता है क्वेश्चन, इस प्रोसेस को हम लोग रिस्क असेसमेंट कहते हैं, रिस्क असेसमेंट कहते हैं। हैजार्ड क्या होगा, हैजार्ड के बारे में आपको बताएं, रूफ आपका लटका हुआ है दैट इज कॉल्ड हैजार्ड, साइड्स आपका ओवरहैंग है दैट इज कॉल्ड हैजार्ड, अंडरकट बना हुआ है दैट इज कॉल्ड हैजार्ड, ये सारा ओपन कास्ट में आपका साइड आप यदि 90 मीटर आपका हाइट है डंप का मैक्सिमम हाइट, उससे ज़्यादा आपका डेट जो हैजार्ड, एंगल ऑफ रिपोज सब ज़्यादा का, यदि आप एंगल उसको बना के रख रहे किसी का, मतलब बॉटम में यदि आप कोई दीवार वगैरह यूज़ करके या फिर कोई कैच बर्म बनाकर यदि आप उसको स्ट्रेंथ देकर यदि आप उसका एंगल ऑफ रिपोज को बढ़ा रहे हैं दैट इज कॉल्ड हैजार्ड। यदि आप जो ओपन कास्ट का जो बेंच का जो टो होता है उसका 100 मीटर का अंदर में हमको काम नहीं करना है, उसके अंदर यदि आप काम करें दैट इज कॉल्ड हैजार्ड। ये सारे आपका हैजार्ड्स हो गए। रिस्क मैनेजमेंट आपको समझा दिए, रिस्क असेसमेंट आपको समझाए, रिस्क क्या होता है समझा दिए, हैजार्ड समझा दिए।
तो इसका ऑप्शन क्या था आपका? ऑप्शन डी। हल्का सीधे पढ़ के जाते तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ टेम्पररी लाइनिंग ऑफ सिंकिंग शाफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज। मतलब टेम्पररी जो हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं वो एक हम लोग टेम्पररी लाइनिंग से करते हैं, दूसरा हम लोग परमानेंट लाइनिंग से करते हैं। तो टेम्पररी लाइनिंग में यदि हम लोग कर रहे हैं टेम्पररी लाइनिंग से शाफ्ट को सिंक कर रहे हैं, शाफ्ट को खुदाई कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा चीज़ यूज नहीं होता है? तो देखिए प्लैंक ऑफ सालवुड ये आपका टेम्पररी लाइनिंग में यूज होता है, याद रखिएगा टेम्पररी लाइनिंग में यूज होता है। स्केलेटन रिंग ये भी होता है, ये 3 मीटर के टुकड़ा में होता है, याद रखिएगा 3 मीटर के टुकड़ा में होता है, 3-3 मीटर का टुकड़ा होता है और माइल्ड आयरन का बना रहता है। या स्टील, ये स्केलेटन रिंग, इसी को बोलते हैं कर्ब, तो दूसरा नाम भी आपका है कर्ब, ये हो गया। ब्रिक्स का यूज जो करते हैं ना वो हम लोग परमानेंट, जिसे यह टेम्पोरल लाइनिंग ऑफ सिंकिंग शाफ्ट है ना, हम लोग परमानेंट लाइनिंग ऑफ सिंकिंग शाफ्ट में करते हैं, परमानेंट लाइनिंग ऑफ सिंकिंग शाफ्ट में हम लोग ब्रिक्स का यूज करते हैं। ब्रिक्स हो गया, कंक्रीट हो गया। आगे हम लोग एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें हम लोग आपको ये चीज बताएंगे कि मतलब हम लोग टेम्पररी लाइनिंग ऑफ सिंकिंग शाफ्ट में क्या यूज़ करते हैं, परमानेंट लाइनिंग ऑफ सिंकिंग शाफ्ट में क्या यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन ही आपका टोटल हुबहू ये क्वेश्चन और आने वाला क्वेश्चन आपका डीजे देशमुख से पूछा हुआ था, डीजे देशमुख का क्वेश्चन है। शाफ्ट में आप पढ़िएगा, ये आपको पूरा लाइन ही मिल जाएगा। फिश प्लेट से क्या होता है ना, स्केलेटन रिंग्स को जोड़ा जाता है, टू जॉइन स्केलेटन रिंग, किससे? फिश प्लेट से। ये आपका किस में यूज हो गया? टेम्पररी लाइनिंग में, ये टेम्पररी लाइनिंग में, ये टेम्पररी लाइनिंग में, ये आपका था परमानेंट लाइनिंग में। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ऑप्शन सी आपको लगाना था। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई था जो पीछे का जो एग्जाम हुआ उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग इज नॉट कंस्ट्रक्टेड टू सील फायर एरिया। फायर एरिया को सील करने के लिए इसमें से कौन सा आपका स्टॉपिंग को हम लोग यूज नहीं करते हैं? तो इसमें तो आप सभी को पता है कि इमरजेंसी स्टॉपिंग को भी हम लोग सील करने के लिए यूज़ करते हैं, परमानेंट को भी और प्रिपरेटरी को भी। लेकिन आपका जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग है ये किसी भी फायर को सील करने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये आपका आंसर मिल गया। वेंटिलेशन ऑफ स्टॉपिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ पर आपका मेन इंटेक एयरवे, जहाँ पर आपका मेन इंटेक और मेन रिटर्न, देखिएगा समझिएगा इसको। जैसे कि ये आपका इधर से हवा जा रहा है, इधर से हवा आ रहा है, यहाँ से ये रास्ते में हम लोग को जाने के लिए यदि किसी प्रकार का हम लोग रास्ता यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक स्टॉपिंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन स्टॉपिंग, कि ताकि आपका हवा सर्कुलेट ना हो, यहाँ से उधर घुस ना जाए। इसका जो रास्ता है ये इसी को फॉलो करे, इसका रास्ता इसी को फॉलो करे, यहाँ पर जो स्टॉपिंग बनाते हैं दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन स्टॉपिंग। यहाँ तक समझे। इमरजेंसी स्टॉपिंग कब बनाते हैं? इमरजेंसी के केस में, माइंस में ऐसा कोई इमरजेंसी हो गया है, अचानक आपका गैस निकल गया है, उस समय हम लोग जो स्टॉपिंग बनाते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी। उसको बनाया जाता है प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, बिफोर जब हम लोग डिप्लेरिंग करते हैं ना तब इसको बनाते हैं, बिफोर डिप्लेरिंग ऑपरेशन। और जब डिप्लेरिंग ऑपरेशन हो जाता है तो हम लोग इसको फिर से चेंज करके, मतलब इसको कंप्लीट करके आइसोलेशन स्टॉपिंग बना देते हैं। ये हो गया परमानेंट स्टॉपिंग। ये स्टॉपिंग आपका जब आपका फायर लग जाता है तो हम लोग परमानेंट स्टॉपिंग बना देते हैं। उस केस में इसमें हम लोग बीच में हम लोग इनकम्प्रेसिबल मटेरियल भी डालते हैं, प्लास्टर भी करते हैं, आपका सीमेंट से हम लोग प्लास्टर भी करते हैं और चूना से पुताई भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड परमानेंट स्टॉपिंग। तो ये आप समझ गए। अब इसको था समझिएगा प्रिपरेटरी स्टॉपिंग के बारे में। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टॉपिंग का सारा सामान हम लोग लेके वहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टॉपिंग बनाना होता है। सारा सामान ले जाने के बाद सब कुछ करके रखते हैं, ओनली फॉर आने जाने के लिए गेट दे देते हैं कि सारा जब ऑपरेशन हम लोग कंप्लीट हो जाएगा, चाहे हम लोग कैबिंग मेथड से कर रहे हैं या स्टॉपिंग मेथड से कर रहे हैं डिप्लेरिंग, जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, जब कंप्लीट करके निकल जाएंगे तब वो गेट हटा के हम लोग उसको कंप्लीटली परमानेंट स्टॉपिंग बना देते हैं। तो ये सारा चीज़ आप समझ गए प्रिपरेटरी स्टॉपिंग के बारे में, परमानेंट स्टॉपिंग में, इमरजेंसी और वेंटिलेशन स्टॉपिंग के बारे में। वेंटिलेशन स्टॉपिंग में एक थिकनेस के बारे में एक डाटा है, यदि आप कंक्रीट से बना रहे हैं तो उसका जो मिनिमम जो थिकनेस है रेगुलेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन,
आपका 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। यदि आप ब्रिक से बना रहे हैं, ईंटा से, तो आपको 25 सेंटीमीटर से कम थिकनेस नहीं रखना है। लेकिन सर्कुलर क्या बोलता है, सर्कुलर बोलता है कि थिकनेस मिनिमम आपका 38 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, स्टॉपिंग का थिकनेस। ये हो गया, हम लोग आप आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आई डिजीज ड्यू टू इनसफिशियंट लाइट इज कॉल्ड, इनसफिशियंट लाइट मतलब लाइट आपका जो आप जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उस जगह पे यदि आपका सफिशियंट लाइट नहीं है तो आई का प्रॉब्लम होता है। तो आई का प्रॉब्लम होता है तो इसमें से कौन सा बीमारी जो आपको आई से रिलेटेड है, इनसफिशियंट लाइट के कारण ही आपका ये बीमारी तो आपका आई से जो रिलेटेड है वो आपका तो निस्टेगमस है। लेकिन निस्टेगमस का होने का पीछे कारण ओनली फॉर इनसफिशियंट लाइट है ऐसा नहीं है, इसका होने का ये आपका बाय बर्थ भी होता है, आनुवांशिक बीमारी है, मम्मी पापा से मिलता है। इसमें क्या होता है, आनुवांशिक बीमारी है या फिर सिर पर गंभीर चोट लग जाए, सिर पर गंभीर यदि चोट लग जाए तो भी ये बीमारी होती है, और आपका इनसफिशियंट लाइटिंग के कारण भी होता है, कम लाइट में काम करने से भी ये होता है इनसफिशियंट लाइटिंग से। इसमें होता है क्या कि जो हम लोग का आँख का जो काला चीज है ना, वो जो काला आप देख रहे हैं वो आपका ऊपर हो जाता है, आपका ऊपर का साइड रहेगा, लगेगा कि आप मैं आपको ही देख रहा हूँ लेकिन मेरा आँख आपका ऊपर की तरफ रहेगा, आपको लगेगा कि ऊपर की ओर देखना है, और हर चीज़ को देखने के लिए हमेशा उसका आपका जो आई है वो हमेशा इधर उधर डांस करते रहता है, इसलिए उसको डांसिंग आई इस बीमारी को नाम भी बोलते हैं। आई जो आपका है ना एक जगह स्थिर ना रहकर इधर उधर इधर हिलते रहता है, आपका ब्लैक वाला पर्सन, दैट इज कॉल्ड निस्टेगमस। और सिलिकोसिस, सिड्रोसिस और आपका एस्बेस्टोसिस, ये जो तीनों बीमारी जो है ये ड्यू टू डस्ट है, ड्यू टू डस्ट, ये एक लंग बीमारी है, फेफड़ा लंग डिजीज है, फेफड़ा में होने वाला। ठीक है, हम लोग अभी आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलिकोसिस और सिड्रोसिस और एस्बेस्टोसिस के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि नेस्टेगमस जो बीमारी है वो आपका आँख की बीमारी है, किसके कारण होता है ये बता दिए, और जो आपका बाकी जो बीमारी है वो आपका डस्ट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 को समझिएगा। 5 में बोला फोर सिग्नलिंग इन रॉ फॉले द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू बेल सर्किट शुड नॉट एक्सीड, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट डीजे देशमुख से उठा के दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपका डीजे देशमुख का बुक से एकदम कंप्लीट उठा के दे दिया गया है। जब आप रॉ फॉलेज के चैप्टर को पढ़िएगा ना तो ये लाइन कंप्लीट आपको मिल जाएगा, उसमें पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि जो आप इलेक्ट्रिक सप्लाई बेल सर्किट के लिए दे रहे हैं ना वो आपका 25 वोल्ट से अधिक आपको वोल्टेज नहीं देना है, तो आपका 25 वोल्ट इसमें ज़्यादा आपको विशेष था ही नहीं, 25 वोल्ट से एकदम कंप्लीट लाइन को उठा के दे दिया है कि जो बेल सर्किट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई वो आपका 25 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये हो गया, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग डीए देशमुख को आप देख कर अच्छे से पढ़ कर एग्जाम देने के लिए जाइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हैवी ड्यूटी लोकोमोटिव्स आर ऑफ, ये रेगुलेशन आपका देखिए लोकोमोटिव्स में आपका रेगुलेशन 100 में जो रेगुलेशन 100 है वो आपका लोकोमोटिव्स है, लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि इसमें 2-3 लाइन लिखा हुआ है इसमें क्या ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लोकोमोटिव्स के बारे में आपको पढ़ना था और लोकोमोटिव्स के बारे में क्वेश्चन दिया भी कि हैवी ड्यूटी लोकोमोटिव्स में उसमें कितने सिलेंडर होते हैं, यह भी क्वेश्चन डी देशमुख का है, माइन मशीनरी से क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपका 6 सिलेंडर्स होते हैं उसमें लोकोमोटिव्स में। ये हो गया, इससे और एक क्वेश्चन आपका आएगा, लोकोमोटिव्स को हम लोग जहाँ ग्रेडियंट आपका 1 in 15 से अधिक रहेगा, 1 in 15 से अधिक रहेगा वहाँ पर हम लोगों को लोकोमोटिव्स यूज़ नहीं करना है। नो यूज ऑफ लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव होता है क्या, ये देखिए आपका 2 टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होता है, एक डीजल लोकोमोटिव्स होता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और आपका डीजल लोकोमोटिव, लोको थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्या करता है 3-4-5-6 टब को एक बार में खींचता है, लोकोमोटिव्स अंडरग्राउंड में यूज होता है, ओपन कास्ट में यूज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या देख रहे हैं, 7 को समझिएगा अच्छे तरीके से। आप लिख रहा है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन अ सिस्टम ऑफ हॉलेज रोडवे, हॉलेज रोडवे में जो टेलीफोनिक सिस्टम दिया जाता है बिलो ग्राउंड माइंस में व्हेन द डिस्टेंस बिकम्स मोर देन, ये एकदम इजी क्वेश्चन, तो आप सभी लोग जो भी गए होंगे सभी लोग मार के आए होंगे कि 300 मीटर से आपका जैसे ही अधिक डिस्टेंस हो जाएगा आपको टेलीफोनिक अरेंजमेंट देना है, टू वे टेलीफोनिक अरेंजमेंट, ये तो आपका इजी क्वेश्चन था।
500 मीटर क्या है, ओपन कास्ट में डेंजर जोन है, पूछ सकता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है। 500 मीटर आपका ओपन कास्ट में डेंजर जोन स्पेसिफाई है, बाकी 450 मीटर 400 मीटर का कोई डाटा नहीं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जनरल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगला आपका क्या है, इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में आपका द एंगल ऑफ स्लोप है कोल बेंच का, वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपका ईजी था। तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में आपका जो कोल बेंच का जो आपका स्लोप है वो आपका 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं बाकी ऑप्शन क्या है। आपका रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि जैसे ही 15 डिग्री से अधिक का ग्रेडियंट हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति उस रास्ते को यूज़ कर रहा है सामान ढोने के लिए, कोई माल ढोने के लिए यूज़ कर रहा है, कुछ लेके जा रहा है, तो 15 डिग्री से जैसे अधिक का ग्रेडियंट हो जाएगा तो आपको सीढ़ी बनाना है, आपको सीढ़ी बनाना है, और यही ग्रेडियंट सीढ़ी बनाना है, ये हो गया। और यही ग्रेडियंट जिसमें सामान वो ढोने के लिए यूज़ कर रहा है उस रास्ते को 30 डिग्री से अधिक हो जाएगा, 30 डिग्री से अधिक हो जाएगा, वो ग्रेडियंट 30 डिग्री से अधिक हो जाएगा, सामान नहीं ढोना है। आप पैदल जा सकते हैं लेकिन सामान ढोना नहीं, ये भी रेगुलेशन में आपका लिखा हुआ है, हो सकता है आप कोई भी लोड कैरी नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है, 60 और 30 में आपको डिस्कस करते हैं। जैसे ही आपका ये हम लोग ट्रेवलिंग रोड में देखते हैं कि 30 डिग्री जैसे ग्रेडियंट होगा, आपको सीढ़ी बनाना है, स्टेप्स बनाना है, इसमें हमको जो सीढ़ी जो बनाना है, इसमें हम और भी चीज़ आपके साथ डिस्कस करना था, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीढ़ी का हाइट क्या होगा, सीढ़ी का विड्थ क्या होगा, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। हाइट आपका 0.8 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और आप हमको कमेंट करके बताइए कि विड्थ कितना होना चाहिए। इसमें बताते हैं, ट्रेवलिंग रोडवे का ग्रेडियंट 30 डिग्री से अधिक होगा, स्टेप्स बनाया जाएगा, स्टेप्स बनाया जाएगा, उसके बाद 45 डिग्री से अधिक हो जाएगा, स्टेप्स प्लस हैंडरेल, ट्रेवलिंग रोडवे की बात कर रहा हूँ, 60 डिग्री से अधिक हो जाएगा आपको सीढ़ी तो बनाना ही है, प्लस आपको हैंडरेल देना भी है, और मैक्सिमम 10 मीटर के इंटरवल पे, 10 मीटर के इंटरवल पे आपको प्लेटफार्म देना है, प्लेटफार्म प्रोवाइड करना है, प्लेटफार्म मतलब रुकने के लिए एक जगह, रुकने के लिए एक जगह कि 10 मीटर चले फिर एक जगह रुके, थोड़ा सा चौड़ा रास्ता वो रुक गए, फिर उतरे फिर एक जगह प्लेन आप रख दिए, फिर सीढ़ी से उतरे फिर हमने रुक गया, दैट इज कॉल्ड प्लेटफार्म। तो सीढ़ी बनाया जाएगा 30 डिग्री से अधिक में, 45 डिग्री में सीढ़ी प्लस हैंडरेल, और 60 डिग्री में सीढ़ी प्लस हैंडरेल, बस मैक्सिमम 10 मीटर के अंदर आपको प्लेटफार्म देना है। ये अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन बोर्ड एंड पिलर मेथड द हाइट ऑफ द गैलरी एट एनी प्लेस इन अ सीम और सेक्शन शुड नॉट एक्सीड, मतलब कोई भी सीम या सेक्शन में जो हम लोग गैलरी फॉर्म करते हैं उस गैलरी का आपका हाइट मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ये तो इजी क्वेश्चन तो सभी लोग बना के आए होंगे, हाइट आपको सबको पता था कि हाइट 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो इजी क्वेश्चन में आपका आया था। यदि विड्थ पूछता है इसके जगह में तो विड्थ आपका 4.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो दोनों इजी क्वेश्चन था। 1.8 मीटर क्या है, 1.8 मीटर आपका दो डाटा है, दो डाटा में आप एक मैनहोल वाला डाटा याद रखिएगा कि यदि मैनहोल जो आपका हॉलेज रोडवे में जो बनाया जाता है तो मैनहोल का यदि हाइट पूछा जाए तो आपका हाइट आपका 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये एक चीज़ हो गया। दूसरा क्या है, आपका 1.8 मीटर का और एक आपको डाटा है जो आपका शेल्टर होता है ना, रेस शेल्टर, तो रेस शेल्टर यदि आपका स्लोप टाइप का है, स्लोप टाइप का आपका रेस शेल्टर है, तो जो आपका लोवेस्ट पार्ट है उस स्लोप टाइप स्लोप रूफ का जो आपका लोवेस्ट पार्ट है उसका जो मिनिमम हाइट है वो आपका 1.8 मीटर है, 1.8 मीटर से आपका कम नहीं होना चाहिए, और जो अपर मोस्ट पार्ट है वो आपका 2.5 मीटर से मिनिमम हाइट आपका है, 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि फ्लैट रूफ रहता, फ्लैट रूफ के बारे में क्वेश्चन पूछता सर शेल्टर स्टेप का बना, तो भी आपका हाइट 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ तक देखें, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये क्या बोला जा रहा है, मैन राइडिंग सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड वेयर द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इज मोर देन, मतलब मैन राइडिंग सिस्टम कहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पर आपका इंक्लाइन का लेंथ कितना से अधिक होगा तो मैन राइडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। मैन राइडिंग सिस्टम आपका एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है लोगों के आने जाने के लिए अंडरग्राउंड में, यदि रास्ता आपका थकावट भरा हो या फिर रास्ता आपका 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो आपका जो मैनेजमेंट है वो आपका लोगों के आने जाने के लिए मेन राइडिंग सिस्टम का व्यवस्था करेगा, 1 किलोमीटर से ज़्यादा होने पे आपका इंक्लाइन, तो आप तो ये इसका टिकआउट लगा लिए होंगे। 500 मीटर क्या होता है, एक बार पीछे बार में मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ,
और एक बार लिख देता 500 मीटर ओपन कास्ट में डेंजर जोन है। ये हो गया। अब हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। फर्दर आपका क्या है कि द ग्रेडियंट लिमिट फॉर लोकोमोटिव हॉलेज इज कंसिडर्ड टू बी। लोकोमोटिव के बारे में क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। ये आपका रेगुलेशन नंबर 100 से बिलोंग्स करता है। उसमें लिखा गया है कि आपका 1 in 15, 1 in 15 से यदि अधिक का ग्रेडियंट है, से यदि ग्रेडियंट अधिक का है तो आपको लोकोमोटिव्स यूज़ नहीं करना है, लोकोमोटिव्स का यूज़ नहीं करना है, नो यूज ऑफ लोकोमोटिव्स। ये तो आप समझ गए। तो 1 in 15 आपको देखना, तो ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। 1 in 20 आपको बताए थे एक चीज़ कि 1 in 20 से अधिक का ग्रेडियंट में यदि आपको टब्स को ले जाना हो, तो टब्स को ले जाना हो तो उसके आगे में कोई भी लोग आएंगे जाएंगे नहीं, आगे से आना जाना नहीं करेंगे। 1 in 20 से अधिक का ग्रेडियंट यदि आप टब्स को लेके जा रहे हैं तो लोगों को आने जाना नहीं दिया जाएगा टब्स के आगे, मतलब आगे से। ये हो गया। दूसरा क्या है, लोगों को मतलब आप तो लिख ही लिए होंगे सुन के, आने जाने नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्या है आपका 1 in 20 को लेकर एक डाटा है कि टब वाला में ही कि यदि आपको 1 in 20 से अधिक ग्रेडियंट टब्स को रोकना हो तो किसी मजबूत चीज़ से बांध कर रोका जाएगा, किसी स्ट्रांग चीज़ से, कोई मजबूत चीज़ से, जंजीर या चेन वगैरह से बांध कर रोका जाएगा उसको, मतलब रोकना है तो। ये हो गया। 1 in 10 आपका रैंप का ग्रेडियंट होता है, रैंप का मैक्सिमम ग्रेडियंट आपका 1 in 10 होता है। एक बेंच से दूसरा बेंच को ज्वाइन करने के लिए जो शॉर्टकट रास्ता होता है वो आपका रैंप कहलाता है, उसका ग्रेडियंट 1 in 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपका ओनली फॉर चेन माउंटेड मशीन चलते हैं, चेन माउंटेड मशीन याद रखिएगा, इसमें आपका टायर माउंटेड नहीं चलना है। ये हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबनॉर्मलिटी फाउंड इन कोल सिम्स, मतलब इस चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कोल सिम्स में पाए जाने वाला एबनॉर्मलिटी नहीं है। तो आपको पता है फॉल्ट भी आपका एबनॉर्मलिटी आपका होगा नहीं, स्वेली भी आपका एबनॉर्मलिटी आपका होगा नहीं, और क्लिट्स भी आपका एबनॉर्मलिटी है ये भी आपका होगा नहीं, लेकिन जो गोसन है ये आपका किसी भी कोल सिम में पाए जाने वाला एबनॉर्मलिटी नहीं है। ये क्या है, ये सबसे टॉप मोस्ट या अपर मोस्ट बोलिए, टॉप मोस्ट बोलिए या फिर अपर मोस्ट लेयर होता है किसका, किसी और बॉडी का जो आपका और डिपॉजिट रहता है ना, और डिपॉजिट का सबसे ऊपर का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड गोसन, वो आपका ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा आपका वेदर्ड होता है, सबसे ऊपर का लेयर होता है ना, और तीसरा आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिकम्पोज्ड होता है, डिकम्पोज्ड होता है। तो ये आप समझ गए कि इसमें से कौन सा टिक लगाना था आपको, टिक लगाना था ए। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देख लिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देख रहे हैं। 13 में क्या बोला जा रहा है कि इन फ्रिक्शन वाइंडर्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट के टॉप में इसमें से कौन सा चीज़ का यूज़ किया जाता है इस चारों में से फ्रिक्शन वाइंडर्स में। तो ये आपको दो क्वेश्चन तो आप ऐसे ही छाट दीजिएगा कि बॉटम लिखा हुआ है तो टॉप में यूज़ नहीं करेंगे, खत्म, बॉटम क्लैंप्स खत्म हो गया। चीज़ वेट ये भी नीचे में यूज होता है, वजन वजनदार चीज़ होता है नीचे की ओर रोप को टाइट करके रखता है, चीज़ वेट आपको पता है ये भी आपको होगा नहीं। डॉग्स वाला हम आप लोग कंफ्यूज किए होंगे, लेकिन डॉग्स का भी यूज टॉप में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, टॉप को छोड़ के इसका यूज किया जाता है, ये आपको होगा नहीं। केप्स जो है ये आपका टॉप में यूज होता है फ्रिक्शन वाइंडर्स में, ये आप समझ गए। तो ये आपको टिक आउट करना था, ये तो आपका ऑप्शन छट जा रहा था पूरा क्लियर। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा था लेवल, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ्टी डिवाइस यूज इन हॉलेज रोड, हॉलेज रोड में इसमें से कौन सा सेफ्टी डिवाइस नहीं है। तो ये आप लोग सभी लोग याद करके गए होंगे कि हॉलेज रोड वाला में तो कभी आप लोग फंसे नहीं होंगे। मंकी और बैक कैच जो पीछे में लगा रहता है टब के, सभी लोग को पता है, तो ये आपका होगा नहीं क्योंकि ये आपका सेफ्टी डिवाइस है किसी हॉलेज रोड का, ये भी समझ गए। स्टॉप ब्लॉक भी सभी लोगों को याद है कि ये आपका हॉलेज रोड का सेफ्टी डिवाइस है। ड्रॉप वार्विक ये भी है, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग। डिटैचिंग हुक जो आपका डिटैचिंग जो हुक है ये आपका सस्पेंशन गियर का पार्ट है, तो ये आपका हॉलेज रोड का सेफ्टी डिवाइस नहीं है, ये सस्पेंशन गियर का ये आपका सेफ्टी डिवाइस है, ये आपका इसमें आपको टिक आउट करना था। क्वेश्चन नंबर आप 14 समझ गए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेंजरस अकरेंस, डेंजरस अकरेंस इसमें से कौन सा नहीं है।
तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, इग्निशन हो जाएगा, डेंजरस अकरेंस, तो आपका होगा नहीं। एनी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोसिव, किसी एक्सप्लोसिव कारण एक्सीडेंट हो गया, ये भी आपका डेंजरस अकरेंस, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। एनी फ्लक्स इनफ्लक्स ऑफ इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस, कोई नॉक्सियस गैस या फिर ज्वलनशील गैस निकल रहा है, निकल गया हो अचानक, तो दैट इज डेंजरस अकरेंस। एन आइडल मशीन, कोई मशीन आइडल है, कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, तो ये हमारा डेंजरस अकरेंस नहीं है। तो ये तो आराम से आप क्वेश्चन को टिक आउट करके आ गए होंगे। फास्ट फास्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली मैं 80 क्वेश्चन को एक वीडियो में कंप्लीट करने से क्या होता है ना, आप लोग 80 क्वेश्चन देखते नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ दो पार्ट में करने के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कम समय में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट स्पॉन्टेनियस एजिंग, इसमें से चारों में से कौन सा चीज़ जो आपको स्पॉन्टेनियस एजिंग इफेक्ट नहीं करेगा। डेप्थ ऑफ सीम इफेक्ट करता है, तो आपको होगा नहीं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल, कोयला का क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसमें क्या कार्बन कार्बन का परसेंटेज है, उसके आधार पर ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एजिंग होगा, ये भी आपका इफेक्ट करता है, तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। थिकनेस ऑफ सीम, आपका सीम का थिकनेस क्या है, ज़्यादा सीम का थिकनेस है या कम सीम का थिकनेस है, ये भी आपका स्पॉन्टेनियस एजिंग इफेक्ट करता है। लेकिन टाइप ऑफ एंट्री इनटू माइन, हम माइंस में कैसे घुस रहे हैं, ये आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग को इफेक्ट नहीं करता है। हम माइंस में कैसे भी घुसें, चाहे हम केज से घुसें या फिर मैन राइडिंग से घुसें या फिर पैदल जाएं, वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं करता है। ये भी क्वेश्चन आपका ऐसे ही ईजी आपका छट जा रहा था, ये क्वेश्चन सब तो आप आराम से टिक आउट करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव शुड नॉट बी यूज इन एनी माइन, मतलब इसमें चारों में से कौन सा एक्सप्लोसिव आपको किसी माइंस में यूज़ नहीं करना है। तो जो जो आप लोग ओपन कास्ट में काम किए होंगे या फिर ट्रेनिंग किए होंगे, ऐसे बहुत कई बंदे होंगे जो आपको ज्वाइनिंग से पहले बहुत कोई ओपन कास्ट में काम करते हैं, तो साइट मिक्सनरी ये आपको ओपन कास्ट में, साइट मिक्स इमल्सन वो भी आपको ओपन कास्ट में होता है, एनफो भी आपको ओपन कास्ट में यूज होता है। लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन आपको बैन कर दिया गया, लिक्विड ऑक्सीजन को बैन क्यों कर दिया गया, ये आपका राइट आंसर था, क्योंकि इससे एक्सीडेंट हुआ था। इसमें एक्सीडेंट किस टाइप का हुआ था, जिसमें हम लोग होल में चार्ज किए थे, उस होल में फीता से जो आपका होल का डेप्थ नापा जाता है ना, तो उसमें एक लोहे की छोटा सा रॉड था, ताकि वेट पड़ने से आपका जो होल का जो डेप्थ नापा जाता है, तो फीता आपका टाइट रहता है। तो वो क्या हुआ, उसके कारण उस लोहे का जो रॉड है वो आपका होल में टकराने के कारण स्पार्क पैदा हुआ, और उस स्पार्क में जो होल जो चार्ज था लिक्विड ऑक्सीजन से, उस स्पार्क से रिएक्शन करके ब्लास्ट हो गया और दो लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उस दिन से इसको लिक्विड ऑक्सीजन को बंद कर दिया गया। हालांकि ये बहुत सस्ता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत दूर तक भी आपका स्पार्क से ये ब्लास्ट हो सकता है, यही कारण इसका यूज़ को बंद कर दिया गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज नोन एज, सभी लोगों को पता था हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या था, H2S। जो जो GT पास किए होंगे उनको ये पता है, कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं ठीक कलर चेंज है, तो आपका जो H2S है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी का दूसरा नाम आपका है स्टिंक डैम, क्या है, स्टिंक डैम। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, जिन्होंने GT पास किया होगा इनको याद होगा, स्टिंक डैम। फायर डैम किसको बोलते हैं, CH4, ये हो गया। व्हाइट डैम किसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। और ब्लैक डैम किसको बोलते हैं, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस नाइट्रोजन के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक डैम बोलते हैं। ये आप समझ गए चारों चीज, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ ए पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, मतलब क्या बोल रहा है कि जो पर्सन आपका एम्प्लॉयड है माइन में, उसका कौन सा आपका इसमें से ड्यूटी नहीं है। नो पर्सन शैल एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ एन ऑफिशियल रिमूव और पास थ्रू एनी फेंस या बैरियर या फिर कोई गेट, और रिमूव और पास एनी डेंजर सिग्नल, मतलब आप किसी भी हायर अथॉरिटी के परमिशन के बिना आप कोई भी फेंसिंग, कोई भी बैरियर, कोई भी गेट को ना ही पार कर सकते हैं, ना ही डेंजर सिग्नल को पार कर सकते हैं। ये तो आपका ड्यूटी है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। अगला, नो पर्सन शैल इंटरफेयर, किसी काम में आपको इंटरफेयर नहीं करना है, किसी पर्सन का काम में आपको किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं पैदा करना है। उसके बाद किसी को कोई चीज़ को ऑफर नहीं करना है, उसके बाद किसी को ना किसी प्रकार से आपको डराना है। तो ये सारा चीज़ आपका ड्यूटीज़ है जो पर्सन माइंस में काम करते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। पूछा जा रहा है क्या आपका ड्यूटी नहीं है। नो पर्सन शैल राइड ऑन एनी टब और रोप हॉलेज, ये आपका, ये रेगुलेशन में नहीं लिखा हुआ है कि कौन आदमी, कोई आदमी टब या रस्से पे नहीं चढ़ेगा। ये चीज़ आपका रेगुलेशन में जो आपका ड्यूटीज़ में है ना, उसमें आपका ड्यूटीज़ में ये नहीं लिखा हुआ है। हालांकि ये चढ़ना नहीं है, लेकिन ड्यूटीज़ में ये लिखा हुआ नहीं, वो आपका ड्यूटीज़ में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपका ड्यूटी नहीं है, ये आपका ड्यूटी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपको टिक आउट करना था। नो पर्सन शैल स्लीप व्हाइल ऑन ड्यूटी, ये भी आपका ड्यूटी है, आपको सोना नहीं है, ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, बहुत इजी इजी क्वेश्चन ही पूछा गया था, ऐसा नहीं कुछ क्वेश्चन को छोड़ गए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ बोर होल्स इन माइंस, बोर होल्स का हमारे माइंस में, मतलब किसी भी माइंस में क्या पर्पस होता है। बहुत सारे पर्पस होता है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो हम लोग बोर होल के द्वारा रेस्क्यू करते हैं, हवा पहुँचाने के लिए हम लोग बोर होल का यूज़ करते हैं,
बोर होल हम लोग किए हैं, उससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक केबल को लेके जाते हैं, बोर होल करके हम लोग माइंस का ओपनिंग करते हैं, बोर होल के द्वारा कोल सीम का हम लोग डेप्थ को जानते हैं, बोर होल के द्वारा हम लोग कोल सीम का थिकनेस को जानते हैं, बोर होल के द्वारा हम लोग वेंटिलेशन भी करते हैं। यदि किसी प्रकार से आपका माइंस क्लोज हो गया और रूफ होल होने के कारण, तो हम लोग बोर होल करके वहाँ हवा ही पहुँचाते हैं। और भी बहुत बहुत सारा चीज़ है आपका, जो बोर होल के द्वारा ही हम लोग लगभग लगभग सभी चीज़ का पता भी करते हैं। इसमें क्या है, बोर होल के द्वारा हम लोग किसी भी कोल सीम का कितना कितना दूर तक फॉल्ट हो गया है वो हम लोग जानते हैं, फॉल्ट का थ्रो किधर है वो चीज़ हम लोग जानते हैं। अभी इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। टू नो थ्रो ऑफ फॉल्ट, देखिए पहला ऑप्शन है फॉल्ट का थ्रो का हम लोग जानते हैं बोर होल के द्वारा, लेकिन बोलता है कि नॉट अ पर्पस, क्या पर्पस नहीं है बोर होल्स का माइंस में, ये आपका पर्पस है तो आपको ऑप्शन होगा नहीं। टू ब्लास्ट रॉक और मिनरल, किसी भी रॉक और मिनरल को ब्लास्ट करने के लिए बोर होल का यूज़ करते हैं क्या, नहीं एकदम करते हैं हम लोग, ड्रिल करते हैं ना और फिर हम लोग ब्लास्ट करते हैं, यही पर्पस है। फॉर वेंटिलेशन ऑफ अंडरग्राउंड माइंस वर्किंग, अंडरग्राउंड माइंस वर्किंग वेंटिलेशन के लिए, ये भी आपको बताए थे जरूरी होने पे, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ ए ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन का स्ट्रेंथ जानने के लिए हम लोग बोर होल करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन में नहीं होगा, पूरा क्लियर छट जा रहा है। तो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। एवरी फेंस इरेक्टेड ऑन द सरफेस, सरफेस में कोई भी जो आपका फेंस लगा हुआ है शुड बी एग्जामिन्ड, उसको जांच किया जाएगा वंस एट अ लिस्ट एवरी, फेंसिंग जो आपका सरफेस में लगा रहता है ना उसको कम से कम 7 दिन में एक बार आपको एग्जामिन करना है, कोई कंप्यूटर पर्सन आपका एग्जामिन करता है तो 7 दिन में, ये आपका ऑप्शन था। 14 दिन में क्या है, आपको मैं एक ही डाटा बताता हूँ, बहुत सारा डाटा आपको 14 दिन में है। आपको रेनी सीजन में आपका माइंस में पानी घुस ना जाए, रेनी सीजन में आपका माइंस में पानी घुस ना जाए, इसके लिए आप जो जो सेफ्टी मेजर्स लिए हैं उसका जांच करना है आपको प्रत्येक 14 दिन में, कौन सीजन में, रेनी सीजन में, और अदर देन रेनी सीजन, अदर मतलब रेनी सीजन के अलावा आपको 30 दिन में आपको सारा सेफ्टी मेजर्स को देखना है कि हमारे माइंस को पानी से तो कहीं खतरा नहीं है ना। और मैनेजर पर्सनली 3 महीना में आपका वो सारा चीज़ का जांच करता है जो आपका एक कंप्यूटर पर्सन करता है, ये चीज़ हो गया। 30 दिन में कुछ कुछ डाटा बताता हूँ, सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होता है, प्रत्येक 30 दिन में सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होना है। और एक 30 दिन वाला आपको बता चुके हैं, ये वाला भी याद रख सकते हैं। अगला 20 दिन समय दिया जाता है जब आपका पीएमई करवाया जाता है ना, पीएमई का जो फर्स्ट नोटिस, पीएमई बोलिए या आईएमई बोलिए, आईएमई या पीएमई का जो आपका फर्स्ट नोटिस दिया जाता है ना फॉर्म एम में, उसमें आपको 20 डेज पहले दिया जाता है, ये चीज हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग देखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, द होपका लाइट डिटेक्टर इज यूज टू डिटेक्ट, होपका लाइट से हम लोग क्या चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो सभी लोगों को याद था जो जिन्होंने गैस टेस्टिंग का एग्जाम पास किया था, होपका लाइट हो या हुलामाइट हो, यह आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करता है। यह आपको सीओ डिटेक्ट करता है। मीथेन, बहुत सारा मीथेन का तो बहुत सारे मशीन है, चाहे आपका मीथेनोमीटर हो गया या फिर लोकल मीथेन डिटेक्टर हो गया या फिर आपका फायर डैम डिटेक्टर हो गया, एक ही है लगभग लगभग। फिर मल्टी गैस डिटेक्टर से भी हम लोग करते हैं, एमजीडी मल्टी गैस डिटेक्टर से, मल्टी गैस डिटेक्टर से हम लोग एसटीएस का भी ये करते हैं, मल्टी गैस डिटेक्टर से हम लोग H2S का ही पता करते हैं। मल्टी गैस मतलब लगभग सब गैस का पता करते हैं, ये याद रखिएगा, H2S का हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग, देखिए मीथेन का हम लोग इससे भी करते हैं, FSL से, फ्लेम सेफ्टी लैम्प से, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग FSL से पता करते हैं, ये हो गया। मल्टी गैस डिटेक्टर से भी पता करते हैं इसको। तो इस तरह को और भी बहुत सारे उपकरण से, मैं मोटा मोटी आप इतना जान जाइए कि मीथेन का तो मीथेनोमीटर हो गया, फ्लेम सेफ्टी लैम्प हो गया, आपका LMD हो गया, फायर डैम डिटेक्टर हो गया, मल्टी गैस डिटेक्टर हो गया, या आपका हुलामाइट डिटेक्टर आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, होपका लाइट हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग देखे हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका भले पीछे का एग्जाम में आपका नहीं पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम भी आप मतलब भूले नहीं, इसमें अक्सर क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं, ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि इसमें क्वेश्चन आपका
नहीं आता है, ये गड़बड़ है, याद रखिएगा। तो इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा। मल्टी एच डिटेक्टर से जो हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है ना, वो लगभग 150 ppm तक मापता है, 150 ppm तक हाइड्रोजन सल्फाइड को ये मेज़र करता है, 150 ppm तक। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत किसी को मतलब आप लोग का मैसेज था कि सर थोड़ा धीरे बताइएगा। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ सेफ्टी कमेटी, सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, तो आपका मैनेजर होता है, ये तो इजी क्वेश्चन था। और उसका सेक्रेटरी कौन होता है, सेफ्टी ऑफिसर, ये तो आप समझ गए। वेंटिलेशन ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर का क्या काम है, तो वेंटिलेशन ऑफिसर आपका जो मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर है ना, वो आपका प्रॉपर हवा दे रहा है कि नहीं फेस में, उसका चेक करता है। चेक क्या करता है, एयर मेजरमेंट के बारे में, और वेंटिलेशन सर्वे करता है, और वेंटिलेशन एफिशिएंस क्वेश्चन निकालता है, और आपका जो जंक्शंस होते हैं ना, जंक्शंस वहाँ पर चेकबोर्ड्स को अपडेट करता है, जिसमें आपका एयर का क्वांटिटी वगैरह लिखा रहता है ना, उसको अपडेट करता है। और भी बहुत सारे चीज़ें आगे डिस्कस करें, फिर करेंगे हम लोग। तो ये हम लोग देखें DGMS के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। DGMS आपका 1902 में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था, कलकत्ता में इसका ऑफिस बना था, ठीक है। उसके बाद आपका 1908 में आया धनबाद, ये सभी लोगों को पता है। उसके बाद 1960 में इसका नाम हो गया आपका ऑफिस ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, नाम चेंज हो गया ऑफिस ऑफ द, सबसे पहले जो नाम था कलकत्ता में वो आपका ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन था, ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन, नाम जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन सुन के लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको 1960 में इसका नाम पड़ गया डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस। उसके बाद ऑफिस ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, CIM लिख दिया। और 1967 में लास्ट में आपका, 1967 में आपका नाम पड़ा DGMS। से लेकर अब तक अभी हम लोग DGMS के ही नाम से जानते हैं, ये हम लोग इसमें डिस्कस किए। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द रूफ इन केस ऑफ द फ्लैट रूफ रेस्ट शेल्टर, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यदि रेस्ट शेल्टर आपका फ्लैट वाला है तो उसका हाइट मिनिमम आपका 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बहुत किसी ने स्क्रीनशॉट एग्जाम से पहले हमको भेजा था जिसे 3.5 मीटर भी लिखा हुआ, और मैंने आपको कहा भी था कि ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इसको लेकर एक बुक में डाटा गलत दिया हुआ था, उसको आप सुधार लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। 1.8 मीटर आपको बता चुके हैं, मैन होल वाला हम आपको बताएं, आप लोग फिर से मैं आपको लिखने रहा हूँ, लेट हो जाएंगे, ये हो गया। 3 मीटर में आपको क्या है, मैंने आपको बताया था उसके हाइट के बारे में, कोई भी गैलरी का आपका जो डेवलपमेंट के समय जो गैलरी का जो हाइट होता है ना, वो आपको 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हो गया। अब आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ कंप्यूटर पर्सन, इस चारों में से कौन सा ड्यूटी आपको कंप्यूटर पर्सन का नहीं है, देखते हैं। द कंप्यूटर पर्सन शैल नॉट रिपोर्ट टू हिज सुपीरियर ऑफिसियर, सुपीरियर ऑफिसर को उसको रिपोर्ट करना है, ऐसा बात नहीं उसको रिपोर्ट नहीं करना है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, बाकी तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। देखते हैं बाकी क्या इसका ये ड्यूटी था क्या नहीं। एवरी कंप्यूटर पर्सन शैल नॉट परफॉर्म ड्यूरिंग हिज शिफ्ट एनी ड्यूटीज अदर देन दोज हैज बीन अपॉइंटेड, जो आपको काम दिया गया है उसके अलावा वो कंप्यूटर पर्सन दूसरा काम नहीं करेगा, सही बात है, उसका ड्यूटी है। उसके बाद यदि कोई सुपीरियर ऑफिसर आपका परमिशन देगा तो कर सकता है। एवरी कंप्यूटर पर्सन शैल नॉट अब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट हैविंग प्रीवियसली ऑब्टेंड परमिशन, उस सुपीरियर ऑफिसर का परमिशन के बिना आप अपने काम को छोड़ नहीं सकते हैं, ये हो गया। एवरी कंप्यूटर पर्सन शैल नॉट डिप्यूट अनदर पर्सन, आप अपने काम को किसी अन्य पर्सन को आप यदि डिप्यूट करना चाहते हो उसको बोलते हैं कि आप मेरा काम कर दीजिए, तो जब तक आप सुपीरियर ऑफिसर से आप सेंक्शन नहीं लेते हैं तब तक आप नहीं कर सकते, ये भी आपका ड्यूटी में है। पहला ही आपका छट गया था। यदि मैंने अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग एयर कंटेनिंग 0.2% CO, मतलब 0.2% जब कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो सांस लेने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे, तो 0.2% रहेगा ना, तो ये ऑप्शन आपका जो पूरा ऑप्शन जो आपका आपको जो जल्दी बुक में मिलेगा नहीं, ये आपका डी ए देशमुख का भी क्वेश्चन है, हूबहू छाप दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपका डी ए देशमुख का, यदि आप डी ए देशमुख नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ना शुरू कर दें। ये आपका लिखा हुआ है कि 0.2% CO में क्या होगा, तो आपका अनकॉन्शियस आफ्टर 10 मिनट्स एट वर्क, और 30 मिनट आप यदि रेस्ट के कंडीशन में हैं तो 30 मिनट तक, 30 मिनट के अंदर आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे। यदि आप काम कर रहे हैं तो 10 मिनट के अंदर अनकॉन्शियस मतलब कोमा में चले जाएंगे,
और यदि आप रेस्ट की अवस्था में हैं तो 30 मिनट के अवस्था में, 30 मिनट के अंदर आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे 0.2% में। ये समझ गए। डेथ आफ्टर 10 to 15 मिनट ऑफ वर्क, ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, तो ये आपका ऑप्शन राइट था। ये आपका 0.5% से लेकर 1% तक यदि CO है तो आप 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाइएगा काम में यदि आप है तो। पाल्पिटेशन आफ्टर 10 मिनट्स एट वर्क और रेस्ट के कंडीशन में 30 मिनट के अंदर, पाल्पिटेशन मतलब धड़कन आपका तेज हो जाएगा, किस केस में आपका 0.12% यदि आपका CO पाया गया है तो, CO आपका वातावरण में है तो। हेडेक माथा दर्द डिस्कम्फर्ट आप यदि महसूस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलेप्स अचानक गिर जाइएगा 45 मिनट के अंदर, या फिर रेस्ट की अवस्था में तो आप 2 घंटा तक सर्वाइव कर सकते हैं, ये आपका 0.02% यदि आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर में आपका CO का क्वांटिटी इतना परसेंट है तो आप पे ये इफेक्ट पड़ेगा। ये चारों इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। आप लोग दूसरा बुक में आप लोग देखे होंगे PPM में आंसर देखे होंगे पार्ट्स पर मिलियन में, तो PPM को परसेंटेज में कैसे चेंज कीजिएगा। 10 लाख का एक भाग होता है ना, तो आप 1/10 लाख, 10 लाख लिखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख हो गया, और उनको 100 से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो बस जितना PPM हो आपको पता चल जाएगा कि कितना PPM, ये कितना PPM, ये कितना PPM। ये हम लोग देख लिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब मुझे लग रहा है कि ये क्लास आपको अच्छा समझ में आता होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बेस्ट देने का। यदि आपको ये मेरा क्लास अच्छा लगता होगा तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एक्सेस पहुँचे। यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग कोई आपको यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके क्लास के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं क्लास ऑनलाइन लेता हूँ, आप क्लास भी कर सकते हैं। अभी जो SSCL और WCL का एग्जाम हो रहा है उस पर एक कंप्लीट बैच चल रहा है, टारगेट बैच की हमको उसमें निकालना है, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर भी कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। द हेलमेट शुड बी सप्लाइड फ्री ऑफ चार्ज, किसी प्रकार चार्ज नहीं लिया जाएगा, एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 3 साल, 3 साल, ये भी इजी क्वेश्चन था। हर 3 साल में आपको हेलमेट प्रोवाइड किया जाएगा, ये हो गया। एक साल में, एक साल क्या है, एक साल में थोड़ा सा आपको डाटा बता देते हैं। 60 साल के बाद यदि आप ड्यूटी करना चाहते हैं माइंस में तो आपको पर ईयर, पर ईयर मतलब क्या, प्रत्येक साल आपको PME करवाना है। और क्या है, एस्बेस्टिस माइन में, एस्बेस्टस का माइन में यदि आप ड्यूटी कर रहे हैं एस्बेस्टस का माइन में, तो भी आपको जो PME कराया जाएगा वो आपको पर ईयर, ये हो गया। 2 साल, 2 साल से एक डाटा आप याद रखिए, जो वर्कमैन इंस्पेक्टर जिसको बनाया जाता है किसी माइंस में, उसके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन जिस माइंस में बनाया जाएगा उस माइंस में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस, जिस माइंस में उसको WI बनाया जाएगा ना उस माइंस में उसको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये हम लोग देखें। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें कि 45 ईयर्स जैसे ही क्रॉस कर जाइएगा, अब यदि माइंस में काम कर रहे हैं तो प्रत्येक 3 साल में, एवरी थ्री ईयर्स में आपका PME कराया जाएगा, ये हो गया, या कराया जाता है। टू सिक्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन, एयर सैंपल्स और टेम्परेचर को रीडिंग को शुड बी टेकन एटलीस्ट वंस ऑन एवरी, मतलब एडिक्वेट वेंटिलेशन के लिए कि सही से आपका हवा जा रहा है क्या नहीं, एयर को सैंपल लिया जाएगा और टेम्परेचर रीडिंग को कितने समय के इंटरवल पे नापा जाएगा, ये भी इजी क्वेश्चन था आपका। 30 दिन के अंदर आपको एयर का सैंपल लेना है और टेम्परेचर का रीडिंग आपको नापना है, आपको 30 दिन के अंदर, ये हो गया। 15 दिन क्या है, 7 दिन क्या है, 14 दिन क्या है, थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 14 दिन के बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 7 दिन थोड़ा बता लेते हैं। कोई भी आपका फेंसिंग हो गया तो आपको उसका जांच करना है, कोई अनयूज्ड वर्किंग हो गया उसका भी इंस्पेक्शन आपको 7 दिन में करना है। 14 दिन वाला आपको बताए थे, क्या बताए थे कि आपका यदि इनंडेशन से कोई प्रॉब्लम है तो आपको रेनी सीजन में मतलब माइंस में आपका पानी घुस सकता है, तो 14 दिन में कम से कम आपको एक बार जांच करना है, ये चीज़ हो गया। हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए, फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द वाइंडिंग रूप शुड नॉट मेक एन एंगल मोर देन इतना डिग्री विद द प्लेन ऑफ द सीव और पुली। अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सीव और जो आपका सीव और जो पुली का जो प्लेन होता है ना उसके साथ जो एंगल जो बनाता है वाइंडिंग रूप, दैट इज कॉल्ड फ्लिट एंगल, सभी लोगों को पता है
उसको हम लोग बोलते हैं फिलेट एंगल। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये आपका ड्रम होता है और यहाँ पर रोप ये रहते हैं, यहाँ पर पुली रहता है, इसके साथ जो एंगल बनता है ना, ये एक आपका लाइन होता है, ये जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड फिलेट एंगल। ये फिलेट एंगल आपका 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, फिलेट एंगल आपका 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए एंगल का फॉर्म में। यहाँ पर थोड़ा डिग्री वहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर डिग्री दिया नहीं है, तो 1.5 डिग्री से आपका अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे इनर हो या आउटर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प, इसमें से कौन सा फ्लेम सेफ्टी लैम्प का टाइप नहीं है। आप पढ़े होंगे गेस टेस्टिंग में GL5 भी है, GL50 भी पढ़े हैं, GL60 भी पढ़े हैं, GL50 अभी हम लोग यूज़ करते हैं, ये सबको पता है। GL100 आपका फ्लेम सेफ्टी लैम्प नहीं है, यही आपको टिक आउट करना था। अगला क्वेश्चन मैं लोग डिस्कस करता हूँ आपके साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प, इसमें से कौन सा आपका फ्लेम सेफ्टी लैम्प का टाइप नहीं है। देखिएगा विच ऑफ द, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ रॉक मास रेटिंग, रॉक मास रेटिंग का टोटल 5 पैरामीटर होता है, जिसमें आपका स्ट्रेंथ आ गया, उसका स्ट्रक्चर आ गया, उसका आपका ग्राउंड वाटर सीपेज आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, ये सारा चीज़ लेकर आपको टोटल 5 है, वेदरबिलिटी आ गया, तो उसके आधार पर इसमें से कौन सा है जो आपका रॉक मास रेटिंग में पैरामीटर में नहीं है। तो आपका जॉइंट कंडीशन, दो लेयर का जो जॉइंट होता है ना, वो आपका स्ट्रक्चर से पता चलता है, ये आपका है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। ग्राउंड वाटर सीपेज आपको पता है, ग्राउंड वाटर कंडीशन ये भी आपका है, जो हम लोग रॉक मास रेटिंग को जो हम लोग ये करते हैं निकालते हैं। जॉइंट स्पेसिंग, स्पेसिंग क्या है इसके में हम लोग निकालते हैं, ये भी आपको होगा नहीं। बल्क डेंसिटी, ये आपका रॉक मास रेटिंग में इसका यूज़ नहीं होता है, तो ये आपका इसमें आपको टिक आउट करना था। ये हो गया, हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उसमें क्या है ना कि हम लोग रॉक मास रेटिंग के द्वारा हम लोग वेरी पुअर, फिर फेयर, फिर गुड, फिर वेरी गुड, इस आधार पे हम लोग उसको रेटिंग देते हैं। कि जैसे आपका 0 से 20 तक आ गया तो उसका हम लोग वेरी पुअर रूप बोलते हैं, और आपका यदि 20 से 40 तक रेटिंग है तो उसका हम लोग पुअर रूप बोलते हैं। ये हो गया, 40 से 60 के बीच रेटिंग है तो उसका हम लोग फेयर बोलते हैं। ये हो गया, 60 से यदि 80 तक है तो उसका हम लोग गुड रूप बोलते हैं, और यदि आपका 80 से 100 के बीच रेटिंग है तो उसका हम लोग वेरी गुड रूप बोलते हैं। ये आपका हम लोग रॉक मास रेटिंग में आपके साथ इसके बारे में हम लोग कभी डिस्कस किए थे एक वीडियो में। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय डस्ट, इसमें से कौन सा बीमारी है जो आपको डस्ट के कारण नहीं होता है। तो सिलिकोसिस, एयरबॉर्न डस्ट को यदि आप इनहेल करते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा हो, सिलिका क्वांटिटीज में है, यदि इसको हम लोग क्वाड जी भी बोलते हैं एक तरह से, वैसे हवा को यदि आप इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन एयरबॉर्न डस्ट, तो ये बीमारी होता है सिलिकोसिस, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि पूछा जा रहा है कि डस्ट के कारण नहीं होता है। नेस्टेगमस, ये आपका आई डिजीज है, बता चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में, ये आपका आई डिजीज है। ये हो गया, सीडेरोसिस, ये आपका आयरन का डस्ट के कारण होता है, याद रखिएगा, आयरन का डस्ट के कारण सीडेरोसिस। ये हो गया आयरन का डस्ट, लेकिन डस्ट के कारण ही होता है। एस्बेस्टोसिस, ये एस्बेस्टस के डस्ट के कारण होता है, एस्बेस्टस का माइनिम ड्यूटी कीजिएगा ना, तो वहाँ पर एस्बेस्टस के डस्ट के कारण ये बीमारी होता है। तो डस्ट के कारण आपका ये भी होता है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये भी होता है लेकिन डस्ट के कारण ये नहीं होता है, ये होता है ड्यू टू इनसफिशियंट इल्यूमिनेशन, ड्यू टू इनसफिशियंट, सिर्फ एक ही कारण यही नहीं है और भी कारण, ड्यू टू इनसफिशियंट इल्यूमिनेशन, और आनुवांशिक बीमारी भी है, पापा मम्मी से मिलता है। दूसरा क्या है, सिर पे गंभीर चोट लगने से होता है, सिर पर यदि आप गंभीर चोट लग गया है ना तो भी ये बीमारी आपका निस्टेगमस होता है। ठीक है, आगे हम लोग फर्दर आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगला में क्या आपका है, कि द स्टेट ऑफ एवरी बफर ड्रॉबार और एवरी टब इन यूज ऑफ एवरी सेफ्टी केजेस कपलिंग चेन्स एंड अदर अटैचमेंट शुड बी एग्जामिन्ड वंस इन एट लीस्ट, मतलब आपको कितना दिन के इंटरवल पे आपको ये सारा चीज़ क्या क्या, सेफ्टी कैच, कपलिंग चेन, उसके साथ कोई अदर अटैचमेंट, प्रत्येक टब का आपका ड्रॉबार, बफर, ये सारा का जांच आपको प्रत्येक 30 दिन में आपको, सॉरी प्रत्येक 14 दिन में कम से कम आपको एक बार करना है। ये चीज़ हो गया, 7 दिन के बारे में बता चुके हैं मैं, टाइम नहीं आपका आपके साथ ये जाया नहीं करूँगा, 30 दिन बता चुके हैं, 10 दिन आपको, आप हमको कमेंट करके बताइए कि कौन सा नोटिस देते हैं जिसमें आपको 10 दिन का वक्त दिया जाता है और कौन सा फॉर्म में देते हैं। ये हो गया,
फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन पे। आर्मर्ड चेन कन्वेयर इज ऑल्सो कॉल्ड, जो आर्मर्ड जो चेन कन्वेयर होता है ना उसको हम लोग स्नेक या पाइथन कन्वेयर बोलते हैं। ये भी पूरा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि जो आपका कन्वेयर चलता है ना वो सांप जैसा चलता है। ये आपका बुक में पूरा ये लाइन लिखा हुआ है कि स्नैकिंग या पाइथन कन्वेयर को ही हम लोग एक तरह से आर्मर्ड चेन कन्वेयर बोलते हैं। ये बुक का लाइन है। ये हो गया स्क्रैपर चेन कन्वेयर, आपका होगा नहीं, मल्टी स्टेज लोडर और प्लेट कन्वेयर। प्लेट कन्वेयर में क्या होता है ना कि आपका किसी प्रकार के गैप्स नहीं रहते, पूरा प्लेट एक दूसरे जुड़े रहते हैं, ये आपका प्लेट कन्वेयर है। स्क्रैपर कन्वेयर में क्या होता है ना, दूसरे को समेटते हुए चलता है, और आपका जो मोबाइल स्टेज लोडर है वो आपका धीरे धीरे हाइट देता है। तो ये आपका कन्वेयर में आपको वो चीज़ नहीं होगा जो क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन बिलो ग्राउंड फेस इक्विपमेंट। बिलो ग्राउंड फेस इक्विपमेंट में इसमें कौन सा इक्विपमेंट को कंटिन्यूअस माइनिंग एंड कोल कटिंग मशीन्स में हम लोग लगाते हैं, तो आपको कौन सा लगाते हैं, आपको सभी को पता है, मीथेन मॉनिटर। मीथेन मॉनिटर से हम लोग मीथेन को डिटेक्ट करने के लिए इसको हम लोग लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं हम लोग, बिलो ग्राउंड फेस इक्विपमेंट है ये वाला। ये हो गया। हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर करते हैं, रिलेटिव इसको हम लोग फेस पे नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। मल्टी गैस डिटेक्टर से बहुत सारे गैस का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, कितना परसेंट पाया जाता है। एनीमोमीटर से वेलोसिटी को मेजर करते हैं, एयर वेलोसिटी। ये हो गया। अब हम लोग अगला 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर के इसमें कौन सा ड्यूटी नहीं है। क्लास देखिए, एक्चुअली में क्या है ना कि इतना क्वेश्चन जो पूछा गया था एक लेवल था क्वेश्चन का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीएल गवर्नमेंट का एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको, मतलब आप एग्जाम दे के आए होंगे तो लगा होगा कि हाँ एग्जाम दिए हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन था ये, जो पढ़े हैं उन्हीं के लिए अच्छा लगा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उसके लिए पूरा ऊपर ऊपर पार होता होगा। इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर, रेगुलेशन को पूरा छाप दिया इसमें। टेक नेसेसरी स्टेप्स टू स्टॉप एनी लीकेज थ्रू एनी डिवाइसेज एंड इंश्योर दैट द वेंटिलेशन, तो ये वेंटिलेशन ऑफिसर का खत्म। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। पहला पूछा क्या है कि नॉट अ ड्यूटी, ये आपको वेंटिलेशन ऑफिसर का है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। कैरी आउट वेंटिलेशन सर्वे, ये भी आपका वेंटिलेशन ऑफिसर का ड्यूटी है, ये आपका होगा नहीं। उसमें पूछा गया कौन सा आपका वेंटिलेशन ऑफिसर का ड्यूटी नहीं है। मेंटेन सेपरेट ट्रेसिंग ऑफ द वेंटिलेशन रेस्क्यू या स्टोन डस्टिंग, ये भी आपका वेंटिलेशन ऑफिसर का है, ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। फर्स्ट वाला क्या बोला जा रहा है, प्रोवाइड असिस्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग ऑफ द माइन लेवल इंक्लूडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग भी, या फिर कोई ट्रेनिंग इन गैस टेस्टिंग में इन एंड ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड, ये सब चीज़ का आपका सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। तो यही ऑप्शन आपको टिक आउट करना था, सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। पढ़िए आप इसको एकदम कंप्लीट, इसको देख लीजिएगा कि यही लाइन हूबहू छपा हुआ है। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया, फॉर द पर्पस ऑफ द परमानेंट लाइनिंग ऑफ द सिंकिंग शाफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज परमानेंट लाइनिंग में। मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रिक भी यूज होता है, स्टील टबिंग भी होता है, कॉन्क्रीट भी होता है, लेकिन जो प्लैंक्स ऑफ सालवुड जिसको मैंने आपको बताया था, ये आपका टेम्पोररी लाइनिंग ऑफ शाफ्ट सिंकिंग यूज होता है। टेम्पोररी लाइनिंग ऑफ सिंकिंग शाफ्ट में यूज होता है। ये चीज़ों के दोनों क्वेश्चन आपका टेम्पोररी लाइनिंग और परमानेंट लाइनिंग से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। इसको एक्चुअली में क्या है ना कि टेम्पोररी लाइनिंग और परमानेंट लाइनिंग एक्चुअली शाफ्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आप शाफ्ट को एक बार देख लीजिएगा। अगला क्या है, मोटिव कॉलम इज अ टर्म एसोसिएटेड विद, मोटिव कॉलम जो आपका है ना ये टर्म आपका नेचुरल वेंटिलेशन से रिलेटेड है। एक्चुअली में क्या होता है कि जहाँ पर दो शाफ्ट होते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये आपका शाफ्ट है और ये आपका शाफ्ट है, ठीक है। अब क्या होता है कि नेचुरल वेंटिलेशन होता है कि ये समझ लीजिए, यदि हम लोग डायरेक्ट पंखा के द्वारा हवा दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो ये हो गया मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, जिसको हम लोग पंखा के द्वारा देते हैं। पंखा आपका बंद है लेकिन डेंसिटी में अंदर, मतलब डिफरेंस होने के कारण, हवा का जो डेंसिटी है उसमें डिफरेंस होने के कारण आपका हवा का जो सर्कुलर है वो अपने आप होता है, हवा का सर्कुलेशन अपने आप होता है फेस में, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेंटिलेशन ड्यू टू टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा गर्म है तो यहाँ का हवा को गर्म करेगा, और गर्म करने के बाद हवा ऊपर उठेगा, जब हवा ऊपर उठेगा तो इस हवा जो खाली हो गया इसका जगह लेने के लिए पीछे का हवा आएगा, फिर यहाँ खाली होगा इसका जगह पीछे लेने के लिए आएगा, इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहेगा और एक कनेक्शन बन जाएगा और फिर हवा का सर्कुलेशन होगा, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेंटिलेशन। गर्मी का मौसम में क्या होता है कि यदि ये आपका ज़्यादा गर्म हो रहा है इधर वाला शाफ्ट, तो आपका हवा ये आपका डाउनकास्ट शाफ्ट हो जाता है और ये आपका अपकास्ट साफ हो जाता है।
ठंडी में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठंडी में जस्ट क्या होता है, उल्टा जाता है। ये आपका अपकास्ट स्टाफ रहता है, वो आपका डाउन कास्ट स्टाफ रहता है। ये याद रखिए, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेंटिलेशन, पंखे की जरूरत का आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। तो नेचुरल वेंटिलेशन में ही हम लोग मोटिव कॉलम इसमें है, ये क्लियर हो गया। एयर क्रॉसिंग, एयर क्रॉसिंग का कहाँ यूज होता है ये समझिएगा, जहाँ पर आपका मैन इनटेक और मैन रिटर्न एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो, एक दूसरे को जब क्रॉस कर रहा हो ना, तो वहाँ पर एयर क्रॉसिंग बनाया जाता है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। अगला क्या है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, आपको बताया थे मैन इनटेक और मैन रिटर्न के बीच में कोई शॉर्टकट रास्ता हम लोग को पार करना है, जाना है, मैन इनटेक मैन रिटर्न डायरेक्ट हमको जाना है, वहाँ पर जो स्टॉपिंग देते हैं दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन स्टॉपिंग, तो आपका ये भी होगा नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, अब ये लगता है कि एक या दो क्वेश्चन के बाद ही कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन ही है। ब्लैक डैम इज ए मिक्सर ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन एंड, ब्लैक डैम जो मिक्सर होता है आपका एक्सेस नाइट्रोजन और आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, तो आपको कहाँ दिए, यहाँ देखना है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी ये हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज स्टिंग डैम, H2S को हम लोग स्टिंग डैम बोलते हैं, ये हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड इसको हम लोग व्हाइट डैम बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाइट डैम बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस पूरे कंप्लीट को देखें। ऑक्सीजन क्या है, किसी भी चीज़ को जलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ को यदि जलने के लिए कोई चीज़ चाहिए तो ऑक्सीजन बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ये चीज़ हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको याद रखिएगा, ये हॉपका लाइट वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, हो सकता है कि आगे ही पूछ दे, हॉपका लाइट हो या फिर आपका हुलामाइट हो, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग इससे इसको मापते हैं, और ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर से हम लोग तो लगभग लगभग सभी गैस को मापते हैं। इस प्रकार हम लोग इस सेशन में आपके साथ ये कंप्लीट 40 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। मैं आपके साथ अगला वीडियो में 40 के बाद का जो बाकी जो क्वेश्चन 40 बचे हुए हैं, अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और कंप्लीट उसके बाद फिर हम लोग -8000 पे जाएंगे। अभी तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो में इतना देर तक बने रहे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा।